हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है कंचना 3, जिसे हिंदी के त्रिका काली का करिश्मा। इसका जो हिंदी डब वर्जन है, साथ ही में जो तमिल वर्जन है, वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाए। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है, जहाँ पर इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन करके देने वाले हैं। फिल्म के स्टार कास्ट, स्पोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में भी बातचीत करेंगे। म्यूजिकल के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है। फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो भी आपसे शेयर किया जाए। वीडियो जबरदस्त होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कंचना 3 जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में केतरिका कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना 1 के साथ। उसके बाद मुनी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 3 मुनी 4 को लाया गया था। अब मुनी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनी 1 है, उसको कृतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए। तो उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुन्ना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफ़ी माहिर हैं राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राजू रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राजू रोल ने, उन्होंने डायलॉग भी काफ़ी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मान ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्री माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रन में 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी। तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफ़ी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। केरला में सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को ही साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था, प्रेजेंट पास करके। जहां पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राजू रोगी ने काली इसका विजिकर इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके 2 राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिचवी
इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया था जो कालिका लैक्षण रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवा दर्शन ने कामसी का रोल प्ले किया था जो राघो की सिस्टर इन लॉ थी। गोविंदा के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था। कभी दो अंशे के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था जो काली की माँ है। युवा से लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था जो उनकी नीज है। बानुबाला सुब्रमण्यन ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था। सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था। प्रियंका नालकोली को इसमें मूसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है। आशू पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। मीरा बेन इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पर संपन्न राम ने गौरी का रोल प्ले किया हुआ था। क्रप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। चट्टोपाध्याय ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं। ये सभी रोल किए हुए हैं। इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा। उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी। मैक्सिंदा लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था उन्होंने फिर से काम किया हुआ था। एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था। वहीं पर वेदिका को लिया गया था। उनकी पहली फिल्म इक्के तमिल भी न्यू कमरी थी। वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी। मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे। तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे। कला कुत्तु कैलो और तीसरा गाना कितना पैसा, चौथा गाना हो रे सतु बलपन, पांचवा गाना से कबूडी, छठा गाना है। ये टोटल 6 गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं। टीवी म्यूजिक को टॉप 1 के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कंचना 3 की फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर वैसे तो जो सेम नज़र आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था, एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीज़ें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है। जहाँ पर वो प्रॉपर डिशन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो
उसकी गर्लफ्रेंड को, दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरेन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने कोई सरला इंजेक्शन का डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजीका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शो देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था। इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीजों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था, फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीजन ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक के वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था जिस तरह खत्म किया हुआ था, उसमें चीजों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीजें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से खत्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिन का कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकेंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सैटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सैटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Zee 5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है।
इससे फिल्म के काफी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म के सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुन्नी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुन्नी 4 को लाया गया था। अब मुन्नी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेज वालों ने खरीदा हुआ था। मुनि 1 है, उसको प्रतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए। तो उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका कृष्णा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजिडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफी माहिर है। इधर राइजर डायरेक्टर डायरेक्टर वो बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सभी चीजें राघव रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राघव रोले में, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मार ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडिया बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्रेय माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रहने 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी। तकरीबन 4 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। SS तमन ने बैकग्राउंड को दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। केरला में सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को इस साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था, प्रेजेंट पास करके। जहां पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राघव रोगी ने काली इसका विजिकर इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके 2 राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तानु जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आर आई जिन्होंने बिछवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था, जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवदर्शन कमसी का रोल प्ले किया था, जो राघव की सिस्टर लॉ थी। गोविंदा के रोल में थी जिन्होंने काली के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था। कभी दो अंश के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसका राधा का रोल दिया गया था, जो काली की माँ है। यूएसए लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था, जो उनकी नीज है। बानू बाला सुब्रमण्यम ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था। सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था। प्रियंका नाल कोरी को इसमें मूसी का रोल दिया गया था, जो दिव्या की बहन है। आशु पांडे ने दिव्या
हम उसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। मेरा भी इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पर संपत राम ने गौरी का रोल प्ले किया हुआ था। क्रप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। छोटे पंडा ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं। ये सभी रोल किए हुए हैं। इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा। उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदर लिंडा बनाकर तमिल रिमेक बना दी जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था। उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी। मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे। कला कुत्तु कैलो और तीसरा गाना कितना सारा, चौथा गाना हो रु बल्पम, पांचवा गाना से कबुडी, छठा गाना है, ये टोटल छः गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं। टीवी म्यूजिक को डॉक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नज़र आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था। एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीज़ें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिशन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनके परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने क्वार सरला धर्मेंद्र डायरेक्शन का डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजिका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शो देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीज़ें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो
यह कोई फ्रेश आइडिया नहीं था। इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी, लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। आप चीज़ों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था। फर्स्ट आपको हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, सेकेंड आवर में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफ़ी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुली होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीज़न ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक की वो जो वर्जन था, क्लाइमैक्स था, जिस तरह ख़त्म किया हुआ था, उसमें चीज़ों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीज़ें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता, क्लाइमैक्स को शांति से ख़त्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर, और डायरेक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नज़र आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था। सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज़ किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ा तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकंड आप इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में ख़त्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सब्सिडियरी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Z5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुनि 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुनि 4 को लाया गया था। अब मुनि 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था।
मुनिवान है उसको पर्तिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने वो अपने पास रखे हुए। तो उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमन्ना करके उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उस जिसे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका कृष्णा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजिडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिले था जिसको काफी माहिर है इधर राइजर डायरेक्टर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें राघव रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राघव रोले में, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मार ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्री माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रन में 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी। तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। एस एस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था केरला में, सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को ही साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था प्रेजेंट पास करके। जहां पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राघव रोगी ने काली इसका विजिकल इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके 2 राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिजवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन का रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवदर्शन का मसी का रोल प्ले किया था जो राघव की सिस्टर लॉ थी। गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था। कभी दो अंशी के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था जो काली की माँ है। यूएसए लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था जो उनकी नीज है। बानु बाला सुब्रमण्यन ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रीतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था। सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था। प्रियंका नालकोड़ी को इसमें मुसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है। आशू पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। मेरा भी इसने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पर संपन्न राम ने गोरी का रोल प्ले किया हुआ था। क्रप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। चट्टोपाध्याय ने भी एक रोल प्ले किया हुआ था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलेन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं। ये सभी रोल किए हुए हैं। इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा। उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदर लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी, जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था।
नागल रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट स्तंभर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था। उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे। कलाकुतु पांचवा गाना से कबड्डी, छठा गाना है, ये टोटल 6 गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं टीवी म्यूजिक और डॉपन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नजर आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नजर नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीजों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो सभी चीजें जबरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लौरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था। एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीज़ें देखने को मिली हुई थी, वो सभी चीज़ें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही, काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे वो उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने कोर सरला धर्मेंद्र एक्शन डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिदिका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शोर देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीज़ें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था। इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी, लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीज़ों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था, फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफ़ी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीज़न ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक के वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था जिस तरह ख़त्म किया हुआ था, उसमें चीज़ों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीज़ें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से ख़त्म किया जा सकता था, और जो प्लेसबैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहलू की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलुओं के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी
सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज़ किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंग का कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, फिल्म का जो हिंदी वर्जन है सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Zee 5 पर विद इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है, इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं, मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई, उसके मुन्नी 2 2011 में आई जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुनि 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुनि 4 को लाया गया था। अब मुनि 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है, सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का, तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आए। इसका कृतिका काली का करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनि 1 है, उसको प्रतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका काली का करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिले था, जिसको काफ़ी माहिर हैं इधर राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें राजू रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राजू रोले ने, उन्होंने डायलॉग भी काफ़ी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मार ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था, सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था।
जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरी थी और सिर्फ माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबीन ने की हुई थी। 166 मिनट का रहने 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी। तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। एस एस थमन ने बैकग्राउंड को दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था केरला में। सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को इस साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था प्रेजेंट पास करके। जहाँ पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राजा रोगी ने काली इसका विजिकल इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके दो राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिचवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था, जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवदर्शन ने कमसी का रोल प्ले किया था, जो राघव की सिस्टर लोर थी। गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था। कभी दो अंशी के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसका राधा का रोल दिया गया था, जो काली की माँ है। यूएसए लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था, जो उनकी नीज है। बानू बाला सुब्रमण्य ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रीतिकर आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था। सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था। प्रियंका नालकोरी को इसमें मूसी का रोल दिया गया था, जो दिव्या की बहन है। आशु पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। मीराबेन इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पर संपत राम ने गोड़ी का रोल प्ले किया हुआ था, क्रिप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। चेटक पंडा ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं। ये सभी रोल किए हुए हैं। इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी, जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे। और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा। उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदा लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी, जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इसे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पर ओलिया को लिया गया था। वहीं पर वेदिका को लिया गया था। उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग कैरेक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी। मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे। कला कुत्तु कह लो और विली, तीसरा गाना कितना सारा, चौथा गाना और शतु बल्पम, पांचवा गाना से कबूडी, छठा गाना है, ये टोटल 6 गाने हैं
जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स, म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं। टीवी म्यूजिक और टॉप के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कंचना चाहिए फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नजर आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नजर नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीजों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो सभी चीजें जबरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीजें देखने को मिली हुई थी, वो सभी चीजें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली करके एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर टिशन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही, काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे वो उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने कोई सरला दम इंजेक्शन का डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजीका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शो देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था। इससे पहले विजीत ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी, लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीजों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था। फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुली होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीजन ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक के वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था जिस तरह खत्म किया हुआ था, उसमें चीजों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीजें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता, क्लाइमैक्स को शांति से खत्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट करना चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था। सिनेमाटोग्राफी फिल्म की ग्राफिक्स को अच्छे से यूज किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2017 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स
रिस्पांस मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया होता है। कंचना कंचना के ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती थी, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सब्सिडी ने हिंदी तमिल के लिए जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना 3 नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Z5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। 3 जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के 4th पार्ट है, कंचना का 3rd पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना 1 के साथ। उसके बाद मुन्नी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुन्नी 4 को लाया गया था। अब मुन्नी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुन्नी 1 है, उसको प्रतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए। तो उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुन्ना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफी माहिर हैं इधर राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें राघव रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राघव रोले ने, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मान ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्री माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रहने 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी, तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड वो इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था केरला में, सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को ही साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था, प्रेजेंट पास करके। जहाँ पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राघव रोगी ने
काली इसका अभिजी का इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके दो राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुस जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आरए जिन्होंने बिजली इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था जो काली का लव इंटरेस्ट है, कोलेक्शन का रावल की माँ का रोल दिया गया था, देवदर्शन कामसी का रोल प्ले किया था जो राघव की सिस्टर इन लॉ थी, गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था, तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था, कभी दो अंश के रोल में दिखाई देंगे, जैसे फायदे अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था जो काली की माँ है, यूएस लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था जो उनकी नीज है, बानुबाला सुब्रमण्यन राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पर आत्मा प्रीतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था, सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था, प्रियंका नालकोरी को इसमें मौसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है, आशु पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा भी इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पर संपत राम ने गौरी का रोल प्ले किया हुआ था, कृप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं, चट्टोपाध्याय ने अभी एक रोल प्ले किया हुआ था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं, ये सभी रोल किए हुए हैं, इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे, नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदर लिंडा बनाकर तमिल रिमेक बना दी जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था, इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था, सन पिक्चर जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था, उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था, चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूप दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे, कला कुत्तु कैलो और तीसरा गाना कितना पैसा, चौथा गाना हो रतु बलपन, पांचवा गाना से कबूडी, छठा गाना है, ये टोटल छः गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं टीवी म्यूजिक को टॉप के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर, तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नज़र आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था, एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीज़ें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली करके एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली
पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरेन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने कोई सरला इंजेक्शन का डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिदिका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शो देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था, इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीजों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था, फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफी बड़ा लंबा बना दिया था, जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। उनका वन रीजन ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेस वेक की वो जो वर्जन थे क्लाइमैक्स था जिस तरह खत्म किया हुआ था, उसमें चीजों को बेटर किया जा सकता था, कुछ चीजें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से खत्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की म्यूजिक्स को अच्छे से यूज किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है, सेकंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को यूएसए सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, आईएमडीबी के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में ये फिल्म चल गई थी, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की ओटीटी सैटेलाइट राइट के ऊपर, तो ओटीटी सैटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी फाइव के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को केथरी काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था, केथरी काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे जी फाइव पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में
आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में केतरिका कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुन्नी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुन्नी 4 को लाया गया था। मुन्नी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का है, तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग है। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनी 1 है, उसको कृतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफी माहिर है इधर राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें राजू रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राजू रोले ने, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मान ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्रेय मारी ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रन में 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी, तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। एसएस थमन ने बैकग्राउंड को दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट था वो डिपो वालों ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था, जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। केरला में सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को इस साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था, प्रेजेंट पास करके, जहां पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राजू रोगी ने काली इसका विजिकल इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके 2 राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिचवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था, जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन कर रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवदर्शन कामसी का रोल प्ले किया था, जो राघव की सिस्टर इन लॉ थी। गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था। कभी 2 अंशिक के रोल में दिखाई देंगे, जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था, जो काली की माँ है। यूएसए लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था, जो उनकी नीज है। बानू बाला सुब्रमण्यम ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा
नैना नंदिनी ने दोहरा का रोल प्ले किया हुआ था, सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था, प्रियंका नाल कुरी को इसमें मौसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है, आशू पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है, मीरा बेन इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पर संपन्न राम ने गोरी का रोल प्ले किया हुआ था, क्रप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं, चट्टोपाध्याय ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं, ये सभी रोल किए हुए हैं, इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदर लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था, इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इसे पहले रिटर्न के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था, उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे, कला कुत्तु कैलो और तीसरा गाना कितना पैसा, चौथा गाना हो रतु बल्पन, पांचवा गाना से कबड्डी, छठा गाना है, ये टोटल छः गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं टीवो म्यूजिक और टॉप के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर, तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नज़र आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लौरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था, एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीज़ें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीज़ें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर रोटेशन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल राघव को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे, उनकी परफॉर्मेंस उनके जो सीन्स थे वो उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने क्वार सरला दमनजेक्शन डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजी का
हनी डिकैम बोली, इस फिल्म ने ग्लैमर शो लेने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था, लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था। इससे पहले विजीत ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी, लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीज़ों को थोड़ा मेस्ट अप कर दिया गया था। फर्स्ट हाफ को होटल कंपनी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफ़ी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुली होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीज़न ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक के वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था, जिस तरह ख़त्म किया हुआ था, उसमें चीज़ों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीज़ें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से ख़त्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर, और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नज़र आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था। सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज़ किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ा तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकेंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में ख़त्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना 3 नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Z5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुन्नी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुन्नी 4 को लाया गया था। अब मुन्नी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा
कुछ लग रहा, कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आए। इसका कृतिका काली का करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोरमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनिवन है उसको कृतिका 3 में रिलीज किया गया था, उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए। तो उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमना करके उसके तेलुगु राइट खरीदा, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका काली का करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफी माहिर है इधर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीजें राघव रोले ने की हुई है। इस फिल्म को लिखा हुआ है राघव रोले में, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मान ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था, सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडिया बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्रेय माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रन 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी, तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। एस एस थमन ने बैकग्राउंड को दोनों कंपोज किया हुआ है, गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था। जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था केरला में, सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को इस साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था प्रेजेंट पास करके। जहाँ पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राघव रोगी ने काली इसका विजिकल इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके 2 राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तानु जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिछवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया हुआ था, जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन रावल की माँ का रोल दिया गया था, देवदर्शन कमसी का रोल प्ले किया था जो राघव की सिस्टर लॉ थी, गोविंदा के रोल में थी जिन्होंने काली के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था, तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था, कभी दो अंश के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसका राधा का रोल दिया गया था, जो काली की माँ है, यूएस लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था जो उनकी नीज है। बानू बाला सुब्रमण्यन ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रीतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था, सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था, प्रियंका नाल कोरी को इसमें मूसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है, आशु पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा भी इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पर संपत राम ने गोड़ी का रोल प्ले किया हुआ था, क्रब पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं, चेटक पंडा ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं, ये सभी रोल किए हुए हैं, इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे, और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा
बना दी, मैक्सिंदा लिंदा बनाकर तमिल रीमेक बना दी, जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। नागल रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर, जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर 21 को कास्ट किया गया था, जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था। उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे। कलाकुतु कह लो, और विली, तीसरा गाना कितना पैसा, चौथा गाना हो सतु बल्पम, पांचवा गाना से के बुद्धि, छठा गाना है, ये टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं। टीवी म्यूजिक को डॉपन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर। तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नजर आएगी, लेकिन कुछ खास डिफरेंट नजर नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीजों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो सभी चीजें जबरदस्ती कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है, वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है, जो डबल रोल प्ले कर रहा है। एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीजें देखने को मिली हुई थी, वो सभी चीजें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही, काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे, उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने क्वार सरला दम इंजेक्शन डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजीका हनीडिकम बोली, इस फिल्म ने ग्लैमर शोर देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था, लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था। इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी, लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीजों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था। फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था, सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफी बड़ा लंबा बना दिया था। जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुली होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। उनका वन रीजन ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक की वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था जिस तरह खत्म किया हुआ था, उसमें चीजों को बेटर किया जा सकता था। कुछ चीजें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से खत्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट किया जाना चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करे तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था।
थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज़ किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ा तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है। सेकंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सब्सिडियरी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे जी 5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। थ्री जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है, इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं, मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई, उसके मुन्नी 2 2011 में आई जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुनि 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुनि 4 को लाया गया था। अब मुनि 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है, सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग रहा, कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आई। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनि 1 है, उसको प्रतिका 3 में रिलीज किया गया था, उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफ़ी माहिर हैं इधर राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव रोले ने की हुई हैं।
इस फिल्म को लिखा हुआ है राजू अरोमल ने, उन्होंने डायलॉग भी काफी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मार ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्री माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबीर ने की हुई थी। 166 मिनट का रन में 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी, तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफ़ी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सुनील सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। एस एस थमन ने बैकग्राउंड को दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था, जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। केरला में सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को ही साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था प्रेजेंट पास करके, जहां पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राजू रोगी ने काली इसका विजिकल इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके दो राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिजवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया था, जो काली का लव इंटरेस्ट है। कोलेक्शन कर रावल की माँ का रोल दिया गया था। देवदर्शन कमसी का रोल प्ले किया था, जो राघव की सिस्टर लॉ थी। गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था। तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था, कभी दो अंशी के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे। अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था, जो काली की माँ है। यूएसए लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था, जो उनकी नीज है। बानुबाला सुब्रमण्यन ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर आत्मा प्रीतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था। सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था। प्रियंका नालकोड़ी को इसमें मूसी का रोल दिया गया था, जो दिव्या की बहन है। आशू पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। मेरा भी इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है। एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पर संपन्न राम ने गोरी का रोल प्ले किया हुआ था, क्रिप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं। चट्टोपाध्याय ने भी एक रोल प्ले किया हुआ था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं। ये सभी रोल किए हुए हैं, इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर। प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, कंचना 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी, जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे, और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा। उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव वर्धन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदर लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी, जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था। इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इससे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट स्तंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पर ओलिया को लिया गया था। वहीं पर वेदिका को लिया गया था, उनकी पहली फिल्म इक्के तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग एक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था।
म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे, कला कुछ कह लो, और जैसा गाना कितना पैसा, चौथा गाना हो रहा तो बल्बम, पांचवा गाना से कबड्डी, छठा गाना है, ये टोटल 6 गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं टीवी म्यूजिक को डॉप के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर, तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नजर आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नजर नहीं आने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन सभी चीजों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था, वो सभी चीजें जबरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। एक किरदार जैसे कि इससे पहले पास में जो चीजें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीजें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली घर की एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही, काली इसका रिवेंज कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल राघव को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने कुमार सरला डायमेंशन डिपार्टमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिदिका यानी डिकम बोली इस फिल्म ने ग्लैमर शो देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीजें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था, इससे पहले विजीत ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। हाफ चीजों को थोड़ा मेस्टअप कर दिया गया था, फर्स्ट हाफ को हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफी बड़ा लंबा बना दिया था, जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुल होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। उनका वन रीजन ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक की वो जो वर्जन था, क्लाइमैक्स था जिस तरह खत्म किया हुआ था, उसमें चीजों को बेटर किया जा सकता था, कुछ चीजें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से खत्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट करना चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहलू की फिल्म से ठीक ठाक नजर आएंगे, थोड़ा उसके पहलुओं के साथ ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चॉपअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की एफिक्स को अच्छे से यूज किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना 3 के कालिंग का कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है, सेकंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में खत्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीजों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना 3 के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे,
4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचाया हुआ था। कंचना कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना 3 नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था। K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Z5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। 3 जो 2019 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में K3 का कालिका करिश्मा दिया गया है। इससे फिल्म के काफ़ी पार्ट आ चुके हैं। मुन्नी सीरीज है तो मुन्नी के चौथा पार्ट है, कंचना का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म की सीरीज के ऊपर क्लेरिफिकेशन दें तो पहले 2007 में मुन्नी का फिल्म आई थी, वो सक्सेसफुल हुई। उसके मुन्नी 2 2011 में आई, जिसको कंचना नाम बाद में दिया गया था, कंचना टेक के साथ। उसके बाद मुनी 3 कंचना 2 करके एक और पार्ट आया, उसको तकरीबन 2015 के आसपास रिलीज किया गया था। उसके बाद में 2019 के आसपास कंचना 4 3 मुनी 4 को लाया गया था। अब मुनी 5 भी आने वाली है, कंचना 4, जिसका ओबियसली जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जहाँ पर वो पार्ट कंफर्म आने वाला है, क्योंकि कंचना सीरीज पूरी तरह से सक्सेसफुल है। सभी वर्जन ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया हुआ है और सभी की कहानी सबसे सेम टू सेम लगने लगी है। कंचना 2011 का, तब तक फिल्म देखने का मजा कुछ अलग है। कंचना 2 जबरदस्त है, कंचना 3 इतनी खास निकल के नहीं आए। इसका कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया है, जिसमें कंचना का स्क्रिप्ट पार्ट से उसको गोलमेस वालों ने खरीदा हुआ था। मुनी 1 है, उसको प्रतिका 3 में रिलीज किया गया था। उसके बाद में उन्होंने कंचना को कंचना के नाम से रिलीज किया गया था, कंचना 2 को भी कंचना 2 के नाम से रिलीज किया गया था, लेकिन कंचना 3 थी उसके पास उनके राइट्स नहीं थे, वो जी वालों ने अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने इससे पहले जो एक तेलुगु फिल्म थी अनुमुना करके, उसके तेलुगु राइट खरीदा है, उससे कंचना 3 नाम दिया गया था। हिंदी डब वर्जन का बाद में कंचना 3 जो ऑफिशियल वीडियो थी उसको कृतिका कालिका करिश्मा दिया गया था। ये कुछ ट्रेजेडी थी इस फिल्म के पीछे। इसका जो एक्शन हॉरर फिल्म का एक्शन था, कंफर्म था, बैलेंस देखने को मिला था, जिसको काफ़ी माहिर हैं इधर राइजर राइटर डायरेक्टर बखूबी पूरी तरह से हैंडल करते हुए नजर आते हैं। इस फिल्म का स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन सभी चीज़ें राजू रोले ने की हुई हैं। इस फिल्म को लिखा हुआ है राजू रोले ने, उन्होंने डायलॉग भी काफ़ी बड़े तरीके से डाले हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो वो इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, काली थी मार ने खुद ही प्रोड्यूस किया हुआ था। सन पिक्चर्स वालों ने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफी गिरती और श्री माली ने की हुई थी, एडिटिंग रूबी ने की हुई थी। 166 मिनट का रहने 2 घंटे और 40 मिनट की देखने को मिलेगी, तकरीबन 4.3 घंटे का हॉरर काफ़ी बड़ा रन टाइम था। इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है सरब ने, जिन्होंने बैकग्राउंड को म्यूजिक दिया हुआ है। SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किया हुआ है। गानों के जो राइट्स थे वो डिपो वाले ने खरीदे हुए थे और डिपो ने खरीदे हुए थे, जहाँ 2019 में सबको रिकॉर्ड करवाया गया था, जहाँ पर इस फिल्म को सन पिक्चर्स वर्ल्ड इंटरनेशनल के नीचे डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। केरला में सन पिक्चर ने तमिलनाडु में करवाया हुआ था। इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन को रिलीज किया हुआ था, तमिल वर्जन को इस साथ रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी को एक नॉनली तरीके से दिखाया गया था, प्रेजेंट पास्ट करके
जहाँ पर इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राजा रोगी ने काली इसका विचित्र इसने प्रिया का रोल प्ले किया हुआ है, जिन्होंने राघव का कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। इसके दो राघव के कजिन देखने को मिलेंगे, एक तो ओरिया जिन्होंने काव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एक ना तामुल जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, जिसके सीन्स के अलावा आ रहे जिन्होंने बिछवी इन्होंने रोजी का रोल प्ले किया था जो काली का लव इंटरेस्ट है, कोलेक्शन पर रावल की माँ का रोल दिया गया था, देवदर्शन ने कामसी का रोल प्ले किया था जो राघव की सिस्टर लोर थी, गोविंदर के रोल में थी जिन्होंने काली की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, श्रीमान ने भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, देवीगढ़ ने ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ था, तरुण और रोना को मिस्टर करनी का रोल दिया गया था, कभी दो अंशी के रोल में दिखाई देंगे जैसे फायदे, अनुपम कुमार को इसमें राधा का रोल दिया गया था जो काली की माँ है, यूएस से लक्ष्मी का पापा का रोल प्ले किया हुआ था जो उनकी नीज है, बानु बाला सुब्रमण्य ने राघव की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पर आत्मा प्रीतिकल आपको मूर्ति के रोल में मिलने वाले हैं। इसके अलावा नैना नंदिनी ने दोरा का रोल प्ले किया हुआ था, सोनी कोंकण ने इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ था, प्रियंका नालकोरी को इसमें मूसी का रोल दिया गया था जो दिव्या की बहन है, आशु पांडे ने दिव्या और मौसी के फादर का रोल प्ले किया हुआ है, मीराबेन इसमें दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है, एलन मोवर ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पर संपत राम ने गोरी का रोल प्ले किया हुआ था, क्रप पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देते हैं, चेटक पंडा ने अभी एक रोल प्ले किया था, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे। ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में मेन लीड और सपोर्टिंग कास्ट विलन के अलग अलग किरदार प्ले किए हुए हैं, ये सभी रोल किए हुए हैं, इसकी कहानी में प्रॉपर डेवलपमेंट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंचना 2015 में जब सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने कंफर्म किया वो रिच कॉम्पिटेंट सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आने वाला पार्ट भी अनाउंस करेंगे। नागा करके उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जहाँ पर वो खुद डायरेक्ट करने वाले थे और बताया जा रहा था कि कुछ सोर्सेस थे कि उन्हीं से मूवी का पार्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पर कोई और बात नहीं हुई। इसके बाद में राघव रोजन ने 2017 में मोटा सिवा दीवा बना दी, मैक्सिंदा लिंदा बनाकर तमिल रिमेक बना दी जिसको हॉरर कॉमेडी का टैग मिला हुआ था। राघव रोवल ने 2017 में स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम किया गया था, इसके ऊपर रेगुलर स्पोर्टिंग के ऊपर को सरला मदनी पर रिटर्न किया गया था। सन पिक्चर जिन्होंने इसे पहले रिदरन के साथ प्रोड्यूस किया गया था, उन्होंने फिर से काम किया हुआ था एज अ कोलेब्रेशन के सेकंड प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए थे। लेट्स नंबर एक ट्विस्ट को कास्ट किया गया था जहाँ पर ओलिया को लिया गया था, वहीं पर वेदिका को लिया गया था, उनकी पहली फिल्म इक्की तमिल भी न्यू कमरी थी, वेदिका की तमिल की पहली फिल्म थी। अलग अलग कैरेक्टर्स को काम किया गया था। चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग का काम स्टार्ट किया गया था 2017 को। जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे जिन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम की हुई थी, मूवी को गुड फ्राइडे के दिन 2019 में रिलीज किया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो कल रूपा दिवल वालों ने राइट खरीदे हुए थे, तमिल वर्जन ने उनको रिकॉर्ड किया गया था और 2019 में ही उन्होंने रिलीज करवाया हुआ था। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सुनने को मिलेंगे, कला कुत्तु कैलो और विली, तीसरा गाना कितना पैसा, चौथा गाना और शतु बल्पम, पांचवा गाना से कबूडी, छठा गाना है, ये टोटल छः गाने हैं जहाँ पर अलग अलग लिरिक्स म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर के पास इससे गवाया गया है। इनकी टोटल लेंथ 24 मिनट 10 सेकेंड वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुन सकते हैं टीवी म्यूजिक और टॉप के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कहानी के ऊपर, तो कंचना 3 फिल्म की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग मिरर में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर वैसे तो जो सेम नज़र आएगी लेकिन कुछ खास डिफरेंट नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ था वो सभी चीज़ें ज़बरदस्त थी। कहानी के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करके बताएंगे। अब कंचना फिल्म की जो कहानी है वो पूरी तरह से राघव लॉरी से उनके किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर उनका जो किरदार है जो डबल रोल प्ले कर रहा था, एक किरदार
जैसे कि इससे पहले पास में जो चीजें देखने को मिली हुई थी वो सभी चीजें इस फिल्म में देखते हुए नजर आएंगी। काली करके एक रोल है, उनकी गर्लफ्रेंड है लूसी, जहाँ पर काली एक पुलिस स्टेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाने के लिए इनकार कर देता है, जहाँ पर वो प्रॉपर डिसीजन शंकर करके उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोनों को मरवा देता है। बाकी की कहानी यही, काली इसका रिवेंशन कैसे करेगा, उसके लेने के लिए उसकी आत्मा को जो रोल दागवा को लिए गए थे उसमें कैसे आएगा, जो फिल्म की कहानी सेट की गई। राघव लोरन का पूरी तरह से श्रोता के लिए अपने साथ चला रहे थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन जिस तरह कन्वर्ट किए हुए थे वो लाजवाब थे। उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो सीन्स थे उन्होंने जिस तरह से निखारे हुए थे, वो एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे थे और कॉमेडी फर्स्ट हाफ में अच्छे से ऐड किया हुआ था, जहाँ पर फन अच्छा क्रिएट होता है। इस फिल्म ने क्वाइट सरला डायमेंशन डिपार्टमेंट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया हुआ था, लेडी तरीके से उनको हैंडल किया हुआ था। अभिजिका हनीडिकम बोली, इस फिल्म ने ग्लैमर शोर देने के लिए रखी गई थी, उनका लिमिटेड स्क्रीन था लेकिन वो सभी चीज़ें दिखाने में कामयाब रही। माइनस पॉइंट की बात करें तो यह कोई फेस आइडिया नहीं था, इससे पहले विजित ने भी जो कहानी लिखी थी और मिलती जुलती थी लेकिन आइडिया डिसेंट भी था। आप चीज़ों को थोड़ा मेस्ट अप कर दिया गया था, फर्स्ट आपको हॉरर कॉमेडी को जिस तरह से सेटअप किया हुआ था सेकेंड हाफ में वो दिखाने में कामयाब नहीं रहते। स्क्रीन प्ले वीक हो जाता है, थोड़ा छोटा करना चाहिए था उसको, काफ़ी बड़ा लंबा बना दिया था, जो कहानी के साथ होना चाहिए था, इम्पैक्टफुली होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। उनका वन रीज़न ये भी था जितना खींचा हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म में जो फेसबुक की वो जो वर्जन थे, क्लाइमैक्स था जिस तरह ख़त्म किया हुआ था, उसमें चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, कुछ चीज़ें एंगल ड्रामा ऐड किया जा सकता है, क्लाइमैक्स को शांति से ख़त्म किया जा सकता था, और जो प्लेस बैक है उसको कट करके जो टाइम था वो क्लाइमैक्स में सेट करना चाहिए था। टेक्निकली कोई बात करें तो डायरेक्टर लॉरेंस के तौर पर उन्होंने काम जबरदस्त किया हुआ था, एज अ डायरेक्टर के तौर पर और एक्टर कोरियोग्राफर के तौर पर भी सेट किया गया था। थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन में थोड़ा उनसे पहले की फिल्म से ठीक ठाक नज़र आएंगे, थोड़ा उसके पहलों के साथ ठीक ठाक नज़र आता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अननेसेसरी सीन्स निकाल देते तो फिल्म बेटर हो सकती थी। एडिटिंग में भी चेकअप किया जा सकता था, सिनेमाटोग्राफी फिल्म की विक्स को अच्छे से यूज़ किया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम को दिया हुआ है जो थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इम्प्रेसिव था, जो प्रोडक्शन है वो भी बड़े तरीके से देखने को मिलता है। उसके बावजूद कुल मिलाकर कंचना थ्री के कालिंका कलेक्शन करिश्मा डीपीपी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर अच्छा कॉमेडी पार्ट में देखने को मिलता है, सेकेंड हाफ इंटरवल के बाद आपको लंबा खींचा हुआ है, क्लाइमैक्स को जल्दबाजी में ख़त्म किया हुआ है, एक मिक्स रिस्पॉन्स आपको हो सकता है। इस ये सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। कंचना थ्री के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को 19 अप्रैल 2013 को USA सर्टिफिकेट था, क्रिटिक ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था, IMDb के तकरीबन 1600 वोट थे, 4.2 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इसके अलावा ये एक अच्छा खासा वर्जन था, जहाँ पर ये ऐसी सीरीज थी जहाँ जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर एक मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद एक धमाका मचा हुआ था, कंचना की ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन जो एक सीरीज के ऊपर जो दबदबा था मार्केट में, ये फिल्म चल गई थी जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही थी, इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था। अब हम बात करें इस फिल्म की OTT सेटेलाइट राइट के ऊपर, तो OTT सेटेलाइट सभी ने हिंदी तमिल के लिए जी सूची वालों ने खरीदे हुए हैं। इस कंचना थ्री नाम के साथ जी 5 के ऊपर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में देख सकते हैं। इस मूवी को K3 काली का करिश्मा देखने को इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन के साथ, उनका जो हिंदी वर्जन है सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा और जी सिनेमा HD चैनल के ऊपर देखने को मिला था, K3 काली का करिश्मा देखने को मिल जाएगी आपको, आप उसे Z5 पर विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल वर्जन में
आप इसको एंजॉय कर सकते हैं।